एक समय हिंदुस्तान की राजधानी रहा यह शहर आज एकांत के गर्त में है दफन। मैं बात कर रहा हूं उस मध्यकालीन किले की, जो एक समय भारत का सबसे ताकतवर किला हुआ करता था, दौलताबाद का किला। दौलताबाद औरंगाबाद से 14 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बसा एक 14वीं सदी का शहर है। इस किले का पुराना नाम देवगिरी था। इस किले का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने किया था। करीब 190 मीटर ऊंचाई का यह किला अपने दुर्जेय पहाड़ी किले के लिए आज भी जाना जाता है। किले की बात करें तो आक्रमणकारियों को बाहर ही रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर लोहे की बड़ी अंगीठियां बनी हैं। यही नहीं, इस किले में एक गुप्त रास्ता भी है, जिसमें दुश्मनों को धोखा देने के लिए कई बड़े गड्ढे बनाए गए, जो कि सीधे खाई में जाकर मिलते हैं। किले की बाहरी दीवार और किले के आधार के बीच दीवारों की तीन मोटी पंक्तियां हैं। किले के प्रमुख स्मारकों में शामिल है चांद महल, चीनी महल और बारादारी। इसके पास चीनी महल है, जहां गोलकोंडा के अंतिम शासक अब्दुल हसन तानाशाह को औरंगजेब ने 1687 में कैद किया था। इसके आसपास घुमावदार दुर्ग बने हैं। देवगिरी की स्थापना यादव नरेश भिलम ने की थी। भिलम ने 1187 में स्वतंत्र राज्य स्थापित करके देवगिरी में अपनी राजधानी बनाई। उसके पौत्र सिंघन ने संपूर्ण पश्चिमी चालुक्य राज्य अपने अधिकार में कर लिया। देवगिरी के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार 1294 में चढ़ाई की थी, जिसके फलस्वरूप खिलजी को हार का मुख देखना पड़ा। दौलताबाद से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर अजंता एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं भी स्थित हैं। तो ये थी मध्यकालीन युग के सबसे ताकतवर किले दौलताबाद की कहानी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।